महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल में दो बच्चियों के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य भर में आक्रोश है। इस बीच महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर बुधवार को मीटिंग बुलाई थी, इसमें ही बंद का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र बंद को कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने समर्थन दिया है। इस बंद को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं और प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बदलापुर में जो घटना हुई है उसी के विरोध में विपक्षी महाविकास आघाड़ी 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करेगा। इस मामले में शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक है, राज्य में आपराधिक गतिविधियों में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, इसी के लिए महाराष्ट्र बंद काफी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि बदलापुर की घटना काफी गंभीर है, इसी वजह से हमने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में किसी भी तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें, अब महाराष्ट्र में क्या बंद रहेंगे, क्या खुले रहेंगे, इस पर भी बात करते हैं। स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल और कॉलेज बंद रहने के आसार काफ़ी कम है। हालांकि जो संस्थान आमतौर पर शनिवार को बंद रहते हैं वो बंद ही रहेंगे। वहीं मेट्रो और बसें चलेंगी। बदलापुर की घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी निर्देश और बस और मेट्रो को लेकर नहीं आया है, इसलिए बस और मेट्रो रोजाना की तरह चलने की उम्मीद है। वहीं क्या बैंक खुले रहेंगे? इस शनिवार यानी 24 अगस्त को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है, तो इस वजह से पूरे देश भर में बैंक बंद ही रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक बैंक दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार नेशनल हॉलीडे और रीजनल हॉलीडे पे बंद रहते हैं। वहीं बदलापुर में क्या हुआ आपको लोगों को पता होगा, जहाँ 3 और 4 साल की दो बच्चियों के साथ स्कूल के सफाई कर्मचारी ने यौन शोषण किया था, उसके बाद भीड़ ने ट्रेन रोक दिया था।